नमस्कार दोस्तों, मिस्त्री की दुनिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन करता हूँ अपने वॉइस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में दिखाएंगे कि कितने टूल्स लगते हैं टाइल्स में। टाइल्स बाकी दोस्तों टाइल्स जितने भी टाइल्स टूल्स हो सारे टाइल्स कम हो गए, लेकिन अपने पास जितने बन जाए उतने ज़्यादा से ज़्यादा उतने ठीक है। आज इस वीडियो में वीडियो ध्यान से देखना और इसकी मत करना। अगर हमारे चैनल पर कई बार आए तो हमारा वीडियो देखना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि चैनल की तरह सबसे पहले देखने को आप होंगे। चलिए हम चल रहे हैं वीडियो की तरफ, उसकी तरफ अब वीडियो की तरफ ध्यान से देखना। अरे चलिए दोस्तों, ये मशीन हमारी है टाइल मैनुअल टाइल कटर मशीन। ना तो कोई लाइट का खर्चा यहाँ पे पड़ेगा मालिक को, और आपका काम बिल्कुल ही आसान कर देगा। लाइट का मालिक का भी बचा रहता, मालिक का पैसा यहाँ से नहीं लगेगा, लाइट का पूरा नहीं बचेगा और आपका समय पूरा बच जाएगा यहाँ से। और टाइल काम बिल्कुल सुनिश्चित हो जाएगा, टाइल ऐसी मशीन से कटेगा ऐसा नहीं लगेगा, क्योंकि कंपनी के धारी कंपनी से बन के आए हैं। दोस्तों, एक मशीन का बहुत ही बहुत अच्छा है। और ये हमारे कलर ये लेने वाला है, इसलिए ये लेने वाला है। ये लेवल करना चाहिए दूध ब्लॉक को लेवल कर लेता है, लेकिन लाइट देखिए तो लाइटें टीवी में भी दिखाना है। यहाँ पे ये लाइट लग रही है आपके, ये दोस्तों ये लग रही है यहाँ पे। इसका ये लेवल बहुत ही अच्छा हो जाता है दोस्तों। हम क्या होता है कभी कभी हम पार्ट में लाइट से निकालते हैं, उससे छोटी पतली सी पाइप से निकालते हैं लेवल, लेकिन उससे एयर बन जाता है उसमें आधा इंच। कभी कभी हम गौर से देखना, आधा इंच अगर जो ऊपर बढ़ाओगे दूसरे निशान से तो दूसरे निशान पे बताएगा फिर से, लेकिन जब उससे मिलाओगे तो अप डाउन उसमें बताता रहता है, उससे लेवल अच्छी नहीं निकल पाती है। टाइल लगाने के लिए टाइल लगाने में सबसे बेस्ट यही हमारा टूल्स है, जिसमें बिल्कुल लेवल एक्यूरेट निकल आएगी। और अब हम बात करेंगे ये मशीन काफ़ी सेट होती है, मशीन की स्पेशल होती है, ट्राईपॉड है, ट्राईपॉड की मशीन से होती है। इसमें हमको एडजस्टमेंट का पूरा कंसर्न दिया गया है, इसमें हम चाहे जितने भी कम से कम करना चाहे कम से कम हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहे तो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा। ये पूरा टूल के बड़ा हो जाता है दोस्तों, चाहो तो अपने हाइट के बराबर इतना कर सकते हैं। नीचे से पूरा दिया गया ठीक है, वो ऊपर तक हमारे बराबर हो गया होगा। ये दोनों बॉस कंपनी का हमारा टूल है। हम आते हैं ये हमारा, ये अगर आप कंपनी से कैडेसी कंपनी से टाइम लगा रहे हैं तो ये हमारा गन्ना कहीं पे कंगा बोला जाता है, कहीं पे कुछ भी बोला जाता है। ये खांचा कटा हुआ 6 इंच का ये हमारा है पूरा 6 इंच। ये टाइम से बहुत ही आसानी से टाइम चलती है और पूरी एयर रिक्यूमेंट है। कन्नी से लगाते हो उसमें टाइम लग जाता है, वो जैसे टाइम लगता है जैसे सीमेंट से आप लगाते हो उससे अच्छा तो पेट रहेगा सीमेंट से लगाओ। और जैसे ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है, आप ले लीजिए इसमें थोड़ी देर से कम हो जाएगा दोस्तों। ये हमारा छोटा सा टूल है, ये टाइल्स लेवल करने के लिए। ये 3 इंच का यहाँ पे ये नीचे जॉइंट जैसे यहाँ पे लगा हुआ है, ये इसके नीचे लग जाता है। फिर इसके बाद में इधर से एक टाइल ये हमारी लगे, इधर से एक निकला गई, इसके ऊपर से ये इसमें दबा दिया जाता है उसको। ये हाथ से ऐसे नहीं बन पड़ता बैठाने से, इसको एक इस मशीन से इसको दबाना पड़ता है। ये हमारा इस मशीन से दबा दिया जाता है सेम वहीं से, बिल्कुल टाइम को एक्यूरेट बराबर आ जाएगी, टाइम पर बाइंडिंग नहीं मिलेगी, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, ये हमारा टूल है ये सेक्शन प्लेट, ग्लास सेक्शन प्लेट सिंगल का। ये अच्छी तरीके से बनता है, इसमें चौकट पर जब लगाते हैं तो चौकट पर ये काम बहुत ही अच्छा करता है। सिंगल टाइप लगाते हैं, एक बार ये कटाई लगाते हैं, 12-18 सेट लगा होता है, ये बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। इसमें इतनी पकड़ होती है कि आप लगा नहीं सकते, नीचे सुखा के ऐसे छोटे ही नहीं, बिल्कुल बहुत काज खाता है, बहुत अच्छी तरीके से पकड़ लेता है। ये सिंगल था, ये हमारा 3 वाला है, इसमें 3 है, मार्बल पे, ग्रेनाइट पे, हर जगह इसको यूज कर सकते हो। इसकी उठाने की कैपेसिटी है यहाँ पे इसकी 135 किलो इससे आप उठा सकते हो।
ये मार्बल पे बहुत ही अच्छा काम करता है। बाकी टाइल्स पे तो इसके लिए टाइल्स तो बहुत ही वो है, बहुत ही आसानी से मतलब छोटा बच्चा भी इसे उठा सकता है। ये टाइल्स को कुछ माने नहीं लगता, ये इन टाइल्स होता है कि नाइट मार्बल ज़्यादा हो सकता है तो उसमें ये अच्छा काम करता है। बाकी टाइल्स के लिए 2x4 की, 2x2 की और 12x18 सही तक आप इसको यूज कर सकते हो। इसमें ये डबल इसमें कम लगा हुआ है, इससे ये कम हो सकता है आपका। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये हमारी कटोरी है, ये कोलगेट है, ये किसमें लगाई जाती है, ये लगाई जाती है हेमर मशीन में लगाई जाती है। आपके पास अगर हेमर मशीन है तो बहुत ही अच्छी है दोस्तों, अच्छी बात है। ये बाथरूम में जैसे जाली काटनी हो वहाँ भी ये 110 mm की हमारे यहाँ पे सारे टूल हमने ले लिया। ये इसमें कई सही जाते हैं 110 हमारे पास सिर्फ 125 mm तक हमारे पास जरूरत लगती है, लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारी 100 mm की है, ये 100 mm की पीट है। इसमें हम डायरेक्ट यहाँ पर जाली होती है पहले मार कर देते हैं, उसके डायरेक्ट करके 6 mm देते हैं, उसके ऊपर जाली बैठा देते हैं, ताकि काम पूरा हमारा हो जाता है। ये हमारी ये 85 mm की है, कहीं पे 3 इंच की जाली लगे, 2 इंच की जाली लगे वहाँ पे ये काम करती है। तो दोस्तों ये हमारी कॉपी बहुत ही अच्छी है, बाल टाइप जब लगाते हैं वहाँ पे लाइट की एक डिग्री दी जाती है, वहाँ पे डायरेक्ट ऐसे छेन करो, साइड में छेन कर दो, वहीं पे डायरेक्ट बैठा दो। अभी कम से कम इसको यूज में ले सकते हो, ये 60 mm की, ये 4 सेंटीमीटर की 60 mm, 160 mm की, ये छोटा छोटा टोल है, ये 40 mm की है, 25 mm की है। ये ग्रेनाइट में सिर्फ लगती है, हेमर मशीन में यूज़ करना चाहते हो उसमें भी यूज हो सकती है, और ग्रेनाइट ये हर जगह ये भी काम करती है, अच्छी है। ये हर जगह मिलने वाला पीस है, बाकी ये हर जगह मिलने वाला पीस नहीं है। आप चाहो तो कमेंट करना, मैं ये टूल्स आपको सीतापुर में हर जगह प्रोवाइड करा सकता हूँ। इसलिए आप देख सकते हैं हमारा सांप सीढ़ी का खेल बिल्कुल बन चुका है यहाँ पे। इससे हम क्या करते हैं, कभी कभी बाथरूम की टाइल्स लगाते हैं, टाइल्स नापने के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये, उससे मार्क करके हम उससे निशान लगा देते हैं, या ऊपर की जाली हो लाइट वाली डिब्बी हो या वो पाइप प्लम्बर पाइप की पानी की टंकी का हो वहाँ पे काम लिया जा सकता है। ये चौकर बैठाने के लिए दोस्तों ये बहुत ही अच्छा टूल है, दरवाजे पे ऐसे मारो जहाँ पे जितना होगा उतना अंदर चला जाएगा, बाकी वापस चलाएगा। जैसे यहाँ पे हम स्कैन कर रहे हैं दोस्तों, इतना नीचे था उतना ऊपर हो गया है इसका बहुत ही अच्छा। ये टाइल्स इसके पटरी टाइल्स इसके है, तो ये हेमर ये प्लास्टिक रबर की हथौड़ी है, ये टाइल बहुत अच्छा काम करती है। तो ये हमारा टाइल्स जैक आजकल मार्केट में बड़ी बड़ी टाइल लग रही है उसके लिए ये बहुत ही अच्छा काम करता है। ये जैक के तरीके से यहाँ उठाने के लिए पूरा दिया गया है, उनके तरीके से उठाते हुए चले जाओ, धीरे से देखो करके यहाँ पे 24 इंच का सारा लेवल है हमारे पास, इससे बहुत ही अच्छी बड़ी टाइल 24 इंच का लेवल का बता सकता है। इससे छोटी मोटी आप जाओगे तो ये बारह में सही जाएगा। तो ये हमारे पास हेमर मशीन है, ये कितना काम करता है तो हमें नहीं जान सकते हैं कितना काम करता है, इसलिए काम उसमें इलाज नहीं कर पा रहे हैं, बहुत काम करता है। इससे हम टैंकर मिलाते हैं, इसे बाल बाल दीवार चेंज करते हैं, इसीलिए हम ये फिट करते हैं कार को, ये बहुत ही पीछे फिट करते हैं। ये हमारी मिक्सर की मशीन है, हम किसी भी यूज करते हैं, कहीं हथौड़ी का कहीं काम होता है, कहीं हथौड़ी का बिजली का भी काम होता है, बहुत ही अच्छा है। इस मशीन के बारे में दोस्तों समझ गए होंगे आप लोग। अभी हमारे पास इस साइड पे हमारे पास इतने ही टूल्स है, बाकी दूसरी साइड पे टूल्स पड़े हुए हैं, वहाँ पे बहुत टूल्स वहाँ पर भी हैं। ये LT मशीन और ड्रिलिंग मशीन सारी मशीनें वहाँ पर भी हैं। LT मशीन बड़ी मशीन होती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग गिरा देती है, वो मशीन वहाँ पर है। और ये टाइल्स बैठाने वाली मशीन भी वहाँ पर है, वाई टाइल्स वाइब्रेशन मशीन वहाँ पर है, इसमें यहाँ पर है नहीं, वो भी हम अगले वीडियो में जरूर डाल देंगे।
ये हमारा टेबलर है, ये दोस्तों के थ्री डी के यहाँ पर फिट है, इसी के थ्रू है इधर मैं प्लेट लगाता हूँ, इसी में ले जाके ऊपर थोड़ी देर से नीचे हमारे प्लेट लगी हुई है, प्लेट लगी हुई है, ये पाँच मिनट की यहाँ पे प्लेट लगी हुई लगे हुए हैं और ये मास्क भी आप साफ कर देता है। यहाँ पे ये सब्जी है, बाकी भी यूज करते हैं, बहुत ही अच्छा है। बाकी भी बाल टाइम बाल टाइम लगाना हो तो यहाँ पे एक नीचे छोड़ के या फिर हाई हाई पे ज़्यादा लगा रहे हो तो उसके लिए ये कंडी बहुत ही अच्छी है दोस्तों है। तो अगर ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा और कोई अगर कोई आपको नया बूट मंगाना देगा जहाँ तो कमेंट करना, मैं जरूर आपकी पूरी सेवा करूँगा।